दोस्तों एक बेहद ही आसान बॉल पर आउट होने के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली का देखने मिला ऐसा खतरनाक गुस्सा जो आज तक हम में से किसी ने भी नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, ये वाक्य है पुणे में खेले गए भारत वर्सेस न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट मैच का, जहां एक बार फिर से टीम इंडिया की बल्लेबाजी मिचेल सेंटनर और न्यूजीलैंड की स्पिन गेंदबाजी के आगे घुटने टेकती नजर आई और भारत को इस मैच में 113 रन की शर्मनाक हार का चेहरा देखना पड़ा और सीरीज भी हाथ से चली गई। और इन्हीं सब के पहले टीम इंडिया की दूसरी पारी की बल्लेबाजी के दौरान जब टीम को विराट कोहली की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मिचेल सेंटनर की एक साधारण सी गुगली बॉल पर विराट कोहली सिर्फ 17 के स्कोर पर LBW आउट हो गए। इस दौरान पेवेलियन जाते हुए पहले तो विराट ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना बल्ला जोर से आइस बॉक्स पर दे मारा और इतना ही नहीं, ड्रेसिंग रूम पहुंचने के बाद भी जब विराट कोहली का गुस्सा शांत नहीं हुआ तब विराट ने अपना हाथ जोर से विंडो ग्लास पर दे मारा जिससे ग्लास भी डैमेज हो गया। दोस्तों क्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को शुभमन गिल को ड्रॉप करके चेतेश्वर पुजारा को मौका देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिए।